नहीं भाई तुम मुर्गा सचिन हो, कहाँ उतरना है? कहाँ उतरना है? आजो विलेज स्टेडियम आजो, स्टेडियम आजो मुर्गा। जिसने जिसको मेरे कपड़े चाहिए ना मुर्गे वाले, वो मेरे को मार मार के ले जाना, मार के ले जाना। मारेंगे नहीं भाई, मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। चलो ठीक है, चल आ जा, जा जा देखते हैं। ओए हॉल पे रखियो माइक और स्पीकर। हाँ बड़ी। तो भाई यहाँ पर लग चुका है चैलेंज, जो एक बंदा जो हमारे साथ टीम अप करना चाहता है। तो भाई अब देखते हैं क्या होगा। अब भाई देखना, वो बंदा टीम अप तो करता है लेकिन भाई बाद में क्या करता है देखना। इससे भाई पूरा का पूरा मूड खराब जाता है। फिलहाल तो हम यहाँ पर उतरे स्टेडियम पर और उधर से शॉट गन मिली और भाई ये टीम अप वाला दिखा। देखना ये कोई दूसरा बंदा था जिसने मेरे टीममेट को नॉक किया। फिलहाल एक शॉट किया कनेक्ट, कोई फायदा नहीं। अब भाई इस बंदे के पीछे जाकर मैं इसे मारता हूँ, देखना भाई। और जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया भाई, अब बारी टीममेट को रिवाइव देने की। तो सबसे पहले ऊपर आया, यहाँ पर टीममेट को रिवाइव दिया, टीममेट मेरा नीचे कूदा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया भाई, और मेरा टीममेट जो बोलता है भाई इसे तो मैं ही मारूंगा, ये तो चीटर है। तो मेरा टीममेट जो है उसे फिनिश कर देता है पूरा का पूरा। अब भाई जैसे वाले बंदे को मारा, बारी थी भाई थोड़ी सी लूट करने की। और जैसे ही लूट करते भाई स्टीमेट वाले से हाय हेलो हो जाते हैं। बाद में हम इसे क्या बोलते हैं भाई, अब तुम जो यहाँ से निकल जाओ, हम भी यहाँ पर निकलते हैं, आखिरी जोन में मिलेंगे भाई, देखना क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई इस वाले बंदे के साथ हम बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत कूदते फांदते और भाई इस वाले बंदे को जो यहाँ से भेज देते। देखना भाई इस वाले बंदे को बोला भाई साथ देना, मारना मत, ये मत करना, ये वो बहुत सारी बातें की इससे। और भाई बंदा भी सिर्फ हाँ हाँ बोला। और हमने बोला भाई अब चलो तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। और भाई इस वाले बंदे को जो मैंने यहाँ से भेज दिया, अब तो मुझे एक बॉट दिखाई देता है। सबसे पहले इस वाले बॉट को मारा, अब भाई मेरे पता नहीं कौन से सस्ते नशे हो चुके थे जिसके कारण मैं इस बॉट को जल्दी नहीं मार सका। अब जैसे इस वाले बॉट को मारता हूँ मुझे मिलती है M4। जैसे M4 मिलती है भाई मैं मुझे इस वाले घर पे बंदे दिखाई देते। अब मैं टीममेट को बोलता हूँ यहाँ पर बंदे है भाई चलो। अब मेरा टीममेट जहाँ पर स्मोक करता है, अब देखना भाई इन वाले बंदे को क्या ही मारेंगे भाई। आप इस वाली चीज़ को देखकर तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब देखना सबसे पहले मैं यहाँ से भाई यहाँ पर आगे बढ़ा, अगर भाई मेरे पास यहाँ पर एक भी नेट होता तो भाई इन दोनों बंदों को जो मैं पूरा का पूरा फिनिश कर डालता। सबसे पहले इस वाले पेड़ पे टीपी पे लिया, बंदे स्पॉट करने की कोशिश की लेकिन भाई एक भी बंदा स्पॉट नहीं। अब आगे बढ़ा थोड़ी देर के लिए। अब भाई देखना बंदे जो भाई कैसी फील्डिंग लगा बिछा कर रखी। अब देखना मैं आगे बढ़ा, भाई साहब बंदों ने जो भाई वहाँ से मार कर भगाया। सबसे पहले नीचे आया, फर्स्ट एड लगाया। अब उन बंदों की मुझे एग्जैक्ट पोजीशन तो बताती भाई, वो बंदे जो सीढ़ियों पर टीपी पे ले रहे और भाई मेरे पास नेट भी नहीं था, वरना मैं नेट से उन दोनों बंदों को मार देता। सबसे पहले पीछे आया, अब जब इन वाले बंदों के साथ में फाइट कर रहा हूँ भाई, पता नहीं तभी एक पीछे से टीम भी आ जाती है और इस बंदे के चक्कर में भाई देखना इन दोनों के चक्कर में कोई और ही बंदा मारा जाएगा। तो पीछे एक टीम आई, अब भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा टीममेट बोलता है लेफ्ट की साइड से बंदा आया, तो मैं इस तरफ आया लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। अब भाई इनके चक्कर में ये बेचारा बॉट मारा गया। अब इस वाले बॉट को तो नॉक कर दिया। अब मेरा टीममेट जो है इन पर ऑल पर बात करने की कोशिश करता है, भाई मरना है भाई इसको। मेरा टीममेट जो इनसे पूछता है भाई मरना है, अगर नहीं मरना तो छोड़ देंगे, टीम अप करो। ठीक है भाई बंदे कुछ ऑल देते हैं, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन भाई बंदा भाई हार्ड स्कोप लेकर बैठा है, कुछ समझ में आ रहा है इस वाले बंदे को कैसे मारे। अब सबसे पहले तो भाई एक नेड होता तो मैं टीममेट से नेड मांगता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट के पास भी कोई नेड नहीं था। बार बार कोर में उन बंदों को देख रहा था, यहाँ आ रहा था, देख रहा था, यहाँ आ रहा था। अब भाई मेरा टीममेट पता नहीं कौन सी स्ट्रैटर्जी लगाता है, बंदे के ऊपर फायर कर देता है भाई, लेकिन तभी एक बगी आ जाती है। और जैसे वो बंदे उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हुए, सबसे पहले पुश किया, भाई क्या ही मारा इन वाले बंदों को। भाई ये वाली चीज देखकर पसंद आई हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आप जैसे इन वाले बंदों को मारते हैं टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ और तभी यहाँ पर मुझे दो बंदे दिखाई देते हैं, जैसे कि भाई मैंने यहाँ से डैमेज देने की कोशिश की लेकिन भाई नाकाम कोशिश। लेकिन भाई इस यूनिकॉर्न सेट वाले बंदे को भाई इतना सारी गोलियां मिलती है कि भाई वो जो ज़्यादा ज़्यादा 10 HP बचा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, रश करने की कोशिश करता हूँ और रश करते हुए मैं और मेरा टीममेट।
सबसे पहले मैं टिमिट को वाला पीछे से टोर देना, कोई बंदा फायर करता है उसे मारना, फिर किसी एक बंदा दिखा जो इंटर चला गया। सबसे पहले मैं टिमिट ने वाला पीछे लोग पुश कर देते हैं। अब भाई बंदूक है ना वाले बंदूक की फील्डिंग देखना, सबसे पहले आ रहा है एक बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। इस बंदे को फ्री फायर देकर है और भाई कुछ भी करके इस वाले बंदे को गिरा दिया। अब इसके दूसरे टीममेट की बारी और भाई साहब ये वाला डोबी जो वाइप हो जाता है। सबसे पहले इन दोनों को पेटियाँ लूटते, वह अपने पास लूट की बहुत ही कमी थी, नेड नोड वगैरह कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो भाई इन बंदों के पास अपने को नेड नोड वगैरह तो मिल जाते हैं, नेड मिल जाते हैं, मॉल्टो कॉकटेल वगैरह जो कुछ भी मिल जाता है, यानी कि मॉली भाई इतना कुछ शरीफ बन रहा हूँ भाई, मॉल्टो कॉकटेल बोल रहा हूँ मैं तो। देखो भाई कस्टर्ड तो एक भी नहीं थी मेरे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बैंडेज से अपनी हेल्थ फुल करने की कोशिश करता हूँ। भाई गॉड कर रहा हूँ मुझे कस्टर्ड मिल जाए, इतने भाई मेरा टीममेट जो मुझे कवर दे देता है ऊपर की तरफ चल जाता है, क्योंकि भाई उसे लगता है कोई ना कोई बंदा अपने ऊपर पुश करेगा। लेकिन भाई यहाँ पर लकीली कोई बंदा नहीं था और हम दोनों बच जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे भाई इस तरफ आए, सबसे पहले पीछे फायर जो कि एक बॉट था, इस वाली बॉट को तो बड़े आसान से मार दिया। आप आगे बढ़े, अब भाई देखना यहाँ पर वो टीम वाला बंदा क्या करता है। और भाई इस वाला गेम प्ले होने के बाद आपको जो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना है अगर गेम प्ले पसंद आता है तो, अदरवाइज नहीं पसंद आता तो भाई कुछ कमी है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस कमी को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं और मेरा टीममेट आगे बढ़े, क्योंकि भाई वहाँ पर जो लाल घर है वो यार उसके साइड उस पर बंदे थे और भाई एक बंदा रहता भी है, देखना भाई क्या ही होता है यहाँ पर का भाई। सबसे पहले हम यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से तो मुझे कोई बंदा स्पॉट नहीं हुआ, मैंने यहाँ वहाँ स्पॉट करने की कोशिश की भाई एक आध बंदा दिख जाए, लेकिन भाई मुझे यहाँ पर जो कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पर आए, अब बारिश के कारण भाई मैं यहाँ पर गन ले लेता हूँ हाथ में, तो मेरा टीममेट बोलता है ऊपर एक बंदा है। अब भाई देखना मैं यहाँ से एक नेड करूंगा, नेड भाई हल्का सा गलत हो जाता है, वरना भाई बंदी की ऊपर ही पेटी बननी थी। भाई पर नेड फेंक दिया, नेड जो भाई हल्का बंदे के सिर के ऊपर फटा ब्रश कर दिया। सबसे पहले इस बंदे को फ्री फायर दे दिया, लेकिन भाई पता नहीं ये बंदा कहाँ गायब है, और बाद में पता चलता है वो बंदा जो ऊपर चला गया तो मैं ऊपर चला गया। अब भाई मेरे टीममेट को कोई बंदा नॉक कर देता है, सबसे पहले मैंने इस वाले बंदे को प्रेम किया था। भाई सबसे पहले मैं इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ, भाई देखना इसका जो दूसरा टीममेट है वो मेरा वो मारेगा टीम अप वाला बंदा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा टीममेट खतरे में था और भाई यहाँ पर मैं फंस गया ग्लिच के कारण। और भाई साहब वहाँ पर हम यहाँ पर हमारी टीम में वो जो टीम में वाला बंदा था उसने जान बचाई, तो भाई फिर बाद में वो वाला बंदा जो ऊपर आता है। अब देखना भाई मुझे सबसे पहले लगता है भाई तो कोई और ही बंदा है, लेकिन नहीं भाई तो अपने टीम में वाला बंदा था, जिसको मैं फायर करता हूँ पहले, लेकिन भाई जब वो कूदता है तो उसे छोड़ देता हूँ। अब देखना भाई मतलब भाई क्या ही इस वाले बंदे ने स्ट्रेटजी अपनाई और हम दोनों को बड़े आसान से फेल दिया। तो भाई ये वो बंदा जो भाई टीम अप करते, क्योंकि भाई इनके कारण जो दूसरे बंदे अपने अपने साथ टीम अप करना चाहते वो उन्हें टीम अप नहीं कर पाते। तो ये तक गेम प्ले आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।